जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्ठमांडा की पूजा विधि मंत्र कथा बताऊंगी। तो हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, और जो भी नए दर्शक जुड़े हैं हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ माता के पूजा में। माता के पूजा के समय पीला चंदन लगाए, कुमकुम मौली अक्षत चढ़ाए, सब एक पान के पत्ते में थोड़ा सा केसर ले और ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र बोलते हुए देवी को अर्पित करें। ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें और दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्धि कुंज का श्लोक का पाठ करें। ये उपाय खासकर अविवाहित स्त्रियां जरूर करें, इससे उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा का मालपुए का भोग लगाए, इससे बुद्धि यश में वृद्धि और निर्णायक लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। मालपुए का भोग लगाने से के बाद इसे खुद खाए या ब्राह्मण को दान दे दे। माता कुष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय है, इस दिन देवी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई अर्पित करें। माता कुष्मांडा का प्रिय फूल कमल है, मानता है कि इसे देवी पर अर्पित करने से जो भी साधक अच्छे स्वास्थ्य का नहीं होते उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ कुष्ठमांडा के मंत्र इस प्रकार है। बीज मंत्र, कुष्ठमांडाय एन देवी एन ह्रीं देवी नमः। पूजा मंत्र, ओम कुष्ठमांडाय नमः। ध्यान मंत्र, वंदे व चित काम्यो चंद्रार्थ कीर्त शेखर राम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्ठमांडाय यशस्विने नमः। माँ कुष्ठमांडा का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। माँ कुष्ठमांडा देवियों में चौथे स्थान या चौथे अवतार मानी जाती है। माँ कुष्ठमांडा की 8 भुजाएं होती है, इसी कारण इन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के एक हाथ में जप माला होता है, इसके साथ ही अन्य 7 हाथों में धनुष बाण कमलकंड कमल अमृत पुष्प कलश चंद्र और गदा आदि शामिल है। तो आज हमने चौथे दिन की पूजा माँ कुष्ठमांडा की बताई है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।